अक्कड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। भाई उनको जाकर अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। जब जुनैद नसीर की हत्या हो गई तो उन 15 दिन लगे उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से जाकर मिलने के लिए, और उनको एक्सग्रेशिया मिलता है 15 लाख, दूसरों को मिलता है 50 लाख। उनको जाके बताइए, आप उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने धर्म संसद स्पॉन्सर किया जिसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, वहाँ बताइए आप। UAPA का कानून आपने अमित शाह के साथ मिलकर जुलाई 2019 में आपने बनवाया, सपोर्ट किया कांग्रेस ने और BJP ने, जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान, दलित और जो गवर्नमेंट के डिसेंटर्स हैं, उस UAPA के कानून में है। आपका तो कोई आदमी नहीं है UAPA कानून में, जब आपने क्यों सपोर्ट की लोकसभा में, बताना चाहिए उनको। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, आप लोग वेलकम करते उसको। आज मध्य प्रदेश में आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम करवाएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म से, तो ये मोहब्बत की दुकान है ये। मध्य प्रदेश में आप ही का कमलनाथ कह रहा है कि हम रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल्स करवाएंगे, तो फिर ये आपका सेकुलरिज्म। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के जरिए से भारत के मुसलमानों को बर्बाद किया गया। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की वजह से भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली पार्लियामेंट में ख़त्म करके रख दिया गया। मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूँगा। जो संविधान में जो सेकुलरिज्म की बात है उसका मैं कायल हूँ। अब आप बोलेंगे ना सेकुलरिज्म बाद में डाला गया, तो भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रटर्निटी, जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी क्या है? ये भी तो सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए। ये कब तक जबानी खर्च करते रहेंगे आप? अरे आप कर दीजिए, राजस्थान में क्यों नहीं किया आपने? राजस्थान में करिए आप, छत्तीसगढ़ में करवा दीजिए, आपकी सरकार है वहां पर करवा दीजिए आप। कास्ट बेस्ड सेंसस कौन रोक रहा था? इतने साल से क्यों नहीं करवाया आप? आपकी सरकार थी UPA में, आपने शुरू किया था उस वक्त, लेके आना था जनता के सामने आप। अरे भाई, जब आप सरकार में थे आपने नहीं किया, आपने सरकार में थे गुजरात के लोगों का आपने साथ नहीं दिया, आप सरकार में थे आपने पोटा हटाया, आपने UAPA को स्ट्रांग कर दिया, आप सरकार में आपने सोशो कास्ट सेंसस आपने शुरू किया था, लेके आना था उस वक्त आप। अभी भी करवा दीजिए ना, हम भी चाह रहे हैं कि भारत में कास्ट सेंसस हो। हम भी मानते हैं कि रिजर्वेशन की 50% की लिमिट को ब्रीच होना चाहिए, जिसके लिए नरेंद्र मोदी के पास 300 MP हैं, वो फौरन बिल लेकर आए लोकसभा में और 50% रिजर्वेशन को ब्रीच करें, हम भी सपोर्ट करेंगे उसको। सर, राहुल गांधी ने वहां पे जाके ये कहा कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और जो एक सिंबल को इंस्टॉल किया है वहां पार्लियामेंट बिल्डिंग में, वो एक ड्रामा है और कुछ नहीं मोदी सरकार। देखिए, मैं पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में उस वक्त जाने के लिए तैयार था अगर स्पीकर साहब उसका इनॉग्रेशन करते। मैंने साफ तौर से कहा था कि लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो नरेंद्र मोदी एग्जीक्यूटिव की नुमाइंदगी करते, वो नहीं हुआ है। हमको इस बात का और भी एतराज़ है कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा फ्लोर में गए, तो वो सिर्फ एक धर्म के बड़े लोगों को लेकर गए। वो मुसलमान के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, सिखों के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, ईसाइयों को लेकर जाना था, बौद्ध मजहब के लोगों को लेकर साथ जाना था, वो एक को ही लेकर चले गए। जब आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जा रहे थे तो आप सबको साथ लेकर जाना चाहिए था ना। आप तो देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, आप सिर्फ एक हिंदुओं के नहीं हैं, आप मुसलमानों के भी हैं, दलितों के भी हैं, आदिवासियों के लिए भी हैं, जो सरना कोर्ट को का डिमांड करते हैं सबके हैं, जो नहीं मानते उनके भी हैं। पर प्रधानमंत्री ने तो एक तरफा कार्रवाई की।